आदि मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रागिनी। नमस्कार, मैं हूँ शुभम। अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें वो बापू लाठी वाला। आप सभी को गांधी जयंती के साथ साथ ही हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ शुभम। जी बिल्कुल, और इसी जयंती को मनाने के हर्षोल्लास के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी उनके उद्देश्यों को, उनके विचारों को और उनके मार्गदर्शन को कितना अपना रहे हैं और अमल कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल हम देखना चाहेंगे। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि वो आज गांधी जी की जयंती पर उनकी बातों को कितनी हद तक फॉलो कर रहे हैं, तो आइए उन्हीं से जानते हैं। जैसे कि आज गांधी जयंती है, और आपको क्या लगता है कि आज की जो यूथ है वो गांधी जी के विचारों को कितने हद तक फॉलो करती है? अब ये देखना होगा, क्योंकि इंडिया में आधा यूथ फॉलो करता है, आधा यूथ फॉलो नहीं करता है, और कितने को तो पता भी नहीं है गांधी जी थे कौन। वो जो इंसान एक गाल पर थप्पड़ खाने पर दूसरा गाल भी आगे कर देता था, लेकिन आज की यूथ में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ भी हो, थोड़े से बात के लिए लोग लड़ने के लिए भी उतावले हो जाते हैं। जो इंसान सबकी मदद करता था, सबकी मदद करता था, जिसने हमें ब्रिटिशर्स के राज से मुक्ति दिलाई, लेकिन आज के युग में क्या कहीं देखा जा सकता है कि गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लोग? नहीं, लोगों में अब भूल भी चुके हैं गांधी जी थे कौन। आप 90% किसी से पूछ लीजिए, गांधी जी के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? वजह अब सबका मेंटलिटी अलग होते जा रहा है। हम किसी का मेंटलिटी तो नहीं बता सकते कि कौन क्या सोच रहा है। अब किसी के लोग में देशभक्ति है, किसी में नहीं है देशभक्ति। देशभक्त में भी तो दो तरह के लोग उस समय भी हुआ करते थे, जो कोई सुभाष चंद्र के था और कोई गांधी जी था। अब उस इंसान के आप सोच लीजिए जो अंग्रेज़ों को बिना हथियार दिखाए हुए देश छोड़ने मजबूर कर दिया, वो इंसान में बात तो रही होगी, लेकिन आज के युग में ऐसा कहाँ देखा जाता है। छोटी सी बात पर कहीं कुछ लड़ाई हो गया, छोटा सा बात पर भी, तो लोग लड़ने के लिए उतावले हो जाते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि अभी हम लोगों को मतलब कि खादी ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए, और खादी में बहुत सारे ट्रेंडिंग क्लॉथ्स अब आने लगे हैं, तो आप क्या खादी को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, आई एम यूजिंग द खादी क्लॉथ्स इन ऑल ट्रेडिशनल ड्रेसेस, एंड अभी इंडो वेस्टर्न्स में भी खादी के बहुत अच्छे कलेक्शंस आ रहे हैं, सो या आई प्रेफर खादी। तो आप ज़्यादा मतलब कि नॉर्मल क्लॉथ्स प्रेफर कर रहे हैं या फिर खादी को एक्सेप्ट कर रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, हर डेली तो हम लोग खादी नहीं पहन सकते हैं, ओकेजनली, बट वी हाँ वी यूज खादी, वी ओकेजनली यूज दैट क्लोथ्स। एंड आपको क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो गांधी जी के विचारों पे कितना ज़्यादा उनको मतलब उनके थॉट्स को फॉलो कर रही है? या दे आर फॉलोइंग द थॉट्स, वी कैन सी दैट इन आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स। आज तो काफ़ी पोस्ट भी हो रहे हैं, लोग उन्हें उनके सारे आदर्शों को फॉलो करते हुए लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं, एंड उस चीज़ को वो जो खादी ने उन्होंने स्टार्ट किया था मेड इन इंडिया या फिर जो भी, उसे यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे कि आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, और आप जैसे हम भारतीय उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि आज की जो यूथ है वो कितने हद तक उनके विचारों को फॉलो कर रही है? देखिए, मैं ऑल ओवर में कहना चाहता हूँ कि आजकल के यूथ ज़्यादातर फैशन फिल्मों में ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सब गांधी जी की विचारधाराओं को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपको अभी ये पता है कि इस बार हम लोग कितनवा गांधी जयंती मना रहे हैं? आई थिंक 50-51 कन्फर्म, सॉरी जी 51। तो और 2 अक्टूबर में गांधी जयंती के साथ हम लोग और किसकी जयंती मनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री की। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, और दर्शकों आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा कि आज की युवा पीढ़ी भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों को अपनाते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना भी चाहते हैं। जी, तो इसी के साथ हमारे पूरे सबरंग समाचार टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को गांधी जी की जयंती और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री के जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। कोरोना काल में अब अस्पताल जैसी व्यवस्था आपके घर पर, खास मेडिकल इक्विपमेंट की रेंटल सुविधा देते हैं हम। हैं श्री बालाजी बायोमेडिकल्स,
पीस रोड बिहाइंड BIT एक्सटेंशन लालपुर रांची। कॉल 9204855800/01/02/03/04 ईमेल sbbm17@gmail.com।